छत्तीसगढ़ व्यापा में डीएलएड का काउंसलिंग कब से शुरू होगा, फॉर्म जो है कैसे भरना है, छत्तीसगढ़ में डीएलएड किस तरह से कर सकते हैं, डीएलएड में आपका सिलेक्शन जो है किस तरह से हो पाएगा और कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है हो पाएगा, डीएलएड करने के लिए जो है छत्तीसगढ़ में जो है टॉप 10 कॉलेज जो है कौन कौन से हैं, कट ऑफ मार्क्स जो है कितना जाएगा, जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है किस तरह से हो पाएगा। तो कॉम्पिटिशन्स की अगर हम बात करें तो 1,92,000 स्टूडेंट जो है कैंडिडेट्स हैं। जी हाँ, 1,92,000 स्टूडेंट जो है कैंडिडेट्स हैं और 1,92,000 स्टूडेंट में केवल 6,500 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आप सभी के लिए 6,500 सीटें हैं केवल। जी हाँ, आप सभी के लिए केवल जो है 6,500 सीटें ही 6,500 सीटें हैं। तो छत्तीसगढ़ व्यापा में जो है डीएलएड का काउंसलिंग आखिरकार कब से शुरू हो पाएगा, किस तरह से आपको जो है काउंसलिंग करना है जिससे कि आपको कॉलेजेस जो है मिल पाए। तो डीएलएड की अगर हम बात करें तो 12वीं के बाद आपके जो है डीएलएड कोर्सेज जो है किए जाते हैं। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट है जो डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट है जो 12वीं के बाद डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और 12वीं के बाद जो है डीएलएड कोर्सेज जो है आप सभी स्टूडेंट जो शिक्षक बनना चाहते हैं आगे चलकर, जी हाँ, जो भी स्टूडेंट है जो सहायक शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप प्राइमरी टीचर्स बनना चाहते हैं पहली से लेकर 5वीं तक के क्लास 1 से क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स को, बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आपका जो है डीएलएड होना आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। डीएलएड काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ज़रूरी रहते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है डीएलएड कोर्स जो है अवश्य रूप से कर लीजिए। अभी अगर आप डीएलएड कोर्सेस नहीं करोगे तो आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा अफसोस होगा। और आप देख ही सकते हैं कि एक के बाद एक आप सभी के लिए नई नई भर्तियां, आप सभी देख सकते हैं कि आप सभी के लिए नए नए जो है शिक्षकों की भर्तियां, नए नए टीचर्स के वैकेंसीज, नए नए टीचर्स के पोस्ट अभी आप सभी के लिए निकल के आने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट है जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट है जो टीचर्स बनना चाहते हैं, आप में से हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप में से हर किसी के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ व्यापम में डीएलएड का काउंसलिंग कब से शुरू होगा, तो बहुत जल्द जो है आप सभी के लिए काउंसलिंग जो है शुरू होगा। तो देखिए, आपका तो अच्छे से मार्क्स आ गए हैं ना, और काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनके कम मार्क्स होंगे, तो जिनके भी कम मार्क्स होंगे उन सभी स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ, उन सभी स्टूडेंट्स से भी कहना चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट भी बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपको काउंसलिंग के ऊपर ही फोकस करना है। अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करोगे, अच्छे से काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप करोगे, तो आपका सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं आप सभी के लिए जो है अवश्य रूप से हो पाएगा, आप सभी के लिए कहीं ना कहीं अवश्य रूप से देखने को मिल पाएगा। तो जितना हो सके काउंसलिंग करना, जितना ज़्यादा हो सके आपको अच्छे से काउंसलिंग करना है ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो पाए। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ व्यापा में जो है डीएलएड का काउंसलिंग आखिरकार कब से शुरू होगा, किस तरह से हो पाएगा, तो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो अवश्य रूप से आपका काउंसलिंग में फिर सिलेक्शन हो पाएगा, अवश्य रूप से फिर आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम फिर क्वालिफाई जो है हो पाएगा। तो आपको काउंसलिंग में जो टॉप 10 कॉलेज, जो 10 कॉलेज जो है सिलेक्ट करना होता है, ये टॉप 10 कॉलेज आपको अच्छे से जो है सिलेक्ट करना है। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनके नंबर भी अच्छे रहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं जिनके बहुत अच्छे से मार्क्स रहते हैं, लेकिन वो काउंसलिंग जो है ठीक से नहीं कर पाते। जी हाँ, वो काउंसलिंग में जो है बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, वो काउंसलिंग में बहुत सारे गलतियाँ, काउंसलिंग में बहुत सारे त्रुटि करते हैं वो सभी स्टूडेंट, जिनके वजह से उनका सिलेक्शन फिर नहीं हो पाता। तो आपको गलतियां नहीं करना है काउंसलिंग में, किसी भी तरह से आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका काउंसलिंग अच्छे से होगा, काउंसलिंग में मिस्टेक नहीं करना है, जितना अच्छे से काउंसलिंग करेंगे उतने ही अच्छे से आपको जो है कॉलेजेस जो है मिल पाएगा। और आप सभी के लिए जो है बी ए एंड डी एल एड करने के लिए जो है 6,500 सीटें हैं, और 6,500 सीटें भी कम नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं। देखो, एक एक सीटें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप सभी के लिए 6,500 सीटें हैं तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और ये भी आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और ये भी आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी हाँ, तो 6,500 सीटें हैं, 6,500 सीटें हैं, तो बस मेहनत पर ही आपको ध्यान देना है, कोशिशों पर ही ध्यान देना है, कभी भी आपको अपना प्रिपरेशन करना, कभी भी आपको अपना कोशिशें करना जो है नहीं छोड़ना। जी हाँ, जितना आपका प्रिपरेशन होगा, जितना आपका कोशिशें होगा,
उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन फिर आपको देखने को मिल पाएगा। तो DL Ed आप जो है कोर्स कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने 12वीं पास कर लिया है, जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने 12th पास आउट हो चुके हैं, 12वीं पास हो चुके हैं, वो सभी स्टूडेंट जो है DL Ed कोर्स जो है कर सकते हैं। DL Ed आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। DL Ed आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो तैयारियाँ हमेशा आपको जो है करते रहना होगा। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप अच्छे से करेंगे तैयारी, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा। कट ऑफ्स की बात करें जहाँ तक के, तो यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपका 80 से 85 वाले जो टॉप रैंकर होल्डर्स होंगे उनका सिलेक्शन हो पाएगा। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 70 से 75 नंबर में सिलेक्शन हो पाएगा। SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 65 से 70 में आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 55 से 60 में भी आपका सिलेक्शन जो है इतने मार्क्स में हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो फीस होगा वो करीब जो है 10 से 12 हज़ार रुपये होगा जी हाँ। और प्राइवेट कॉलेजेस के जो फीस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, आपका 27 से 30 हज़ार रुपये तक का हो सकता है। तो आपका अराउंड जो DL Ed कोर्सेस है उसमें आपको तकरीबन जो है 60 से 70 हज़ार रुपये आपका खर्च हो जाएगा। फिर आप जो है DL Ed कोर्सेस आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोर्सेज जो है करना ही चाहिए। DL Ed कोर्सेस अगर आप करोगे तो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट, DL Ed कोर्सेस अगर आप करते हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा आप सभी को मिल पाएगा। क्योंकि आपका सपना है मेनली, जो आपका सपना है मेनली, जो आपका ड्रीम्स है टीचर्स बनने का, फिर वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सपने टीचर्स बनने का और अगर आप DL Ed कोर्सेस नहीं करोगे तो आप जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के, पहली से लेकर जो है 5वीं तक के जो है बच्चों को आप जो है फिर नहीं पढ़ा सकते और आप जो है टीचर्स फिर नहीं बन पाएंगे। तो DL Ed एग्ज़ाम्स का DL Ed कोर्सेज जो है करना सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। तो आप सभी को कहना चाहता हूँ कि DL Ed कोर्सेज जो है आपको करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए और आपका जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम फिर क्वालिफाई जो है हो पाए। तो इसलिए मेहनत पर ही हमेशा आपको ध्यान जो है देना चाहिए जी हाँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को आपको ऑन करके रख लेना है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को पहुँचाएंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों तक शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा सभी लोगों तक वीडियोस मिल पाएगा जी हाँ। उतना ही ज़्यादा सभी लोगों तक के वीडियोस जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो मेहनत हमेशा आपको करते रहना होगा। देन थैंक यू सो मच।